संज्ञा भेद सहित। अध्यापिका ने कक्षा में आकर बच्चों को एक चित्र दिखाया। यश, पहले चित्र में तुम क्या देख रहे हो? अपने शब्दों में वर्णन करो। लकड़हारा। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? यश, एक लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ की सूखी डाली काट रहा है। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, कुल्हाड़ी नदी। अध्यापिका ने रम्या से पूछा, दूसरे चित्र में तुम क्या देख रही हो? जल देवता वरुण। क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? रम्या, नदी से जल देवता वरुण प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने की कुल्हाड़ी है। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, वरुण, कुल्हाड़ी, देवता, सोना, विनम्रता। प्रश्न 3। अध्यापिका ने गौरव से पूछा, तीसरे चित्र में तुम क्या देख रहे हो? वरुण देवता। मैं तुम्हारी सज्जनता और विनम्रता से बहुत प्रसन्न हूँ। यह रही तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी और मेरी ओर से उपहार में सोने की कुल्हाड़ी। धन्यवाद महाराज। गौरव, वरुण देवता ने लकड़हारे की सज्जनता एवं विनम्रता पर प्रसन्नता प्रकट की और उसे लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सोने की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे दी। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, सज्जनता, सोना, कुल्हाड़ी, विनम्रता, लोहा, प्रसन्नता। अध्यापिका ने छात्रों को समझाते हुए बोर्ड पर संज्ञा के उदाहरण लिखे, वरुण, कुल्हाड़ी, देवता, सोना, विनम्रता, सज्जनता, नदी, लोहा, प्रसन्नता। इस प्रेरणादायक कहानी ने हमें हिंदी व्याकरण के संज्ञा रूप से परिचित कराया। अध्यापिका ने बच्चों को समझाते हुए बोर्ड पर लिखा, जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे इस कहानी में आपने देखा, व्यक्ति वरुण, स्थान नदी, वस्तु कुल्हाड़ी, विचार एवं भाव विनम्रता, प्रसन्नता, सज्जनता। ये सब संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा के भेद। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा वरुण, 2, जातिवाचक संज्ञा देवता, नदी, कुल्हाड़ी, सोना, लोहा, 3, भाववाचक संज्ञा विनम्रता, प्रसन्नता, सज्जनता। 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अध्यापिका ने छात्रों को समझाते हुए बोर्ड पर लिखा, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गौरव, यश, रक्या, सुकेश, वरुण आदि नाम व्यक्तियों के हैं। नीलकंठ, मोर, कुत्ता आदि प्राणी हैं। दिल्ली, कोलकाता, मसूरी आदि शहरों के नाम हैं। गंगा, गोदावरी आदि नदियों के नाम हैं। लाल किला, ताजमहल आदि इमारतों के नाम हैं। 2, जातिवाचक संज्ञा।
जिस शब्द से किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुल्हाड़ी, मेज, कुर्सी आदि। वस्तुओं का वर्ग हाथी, घोड़े, बिल्लियां। प्राणी वर्ग, इसके दो उपभेद होते हैं, भीड़, समूह, झुंड, गुच्छा आदि। समूह वाचक या समुदाय वाचक संज्ञा। सोना, लोहा, लकड़ी, चावल, चीनी आदि द्रव्यवाचक संज्ञा। 3. भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण या भाव स्थिति या दशा का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। अमूर्त भावों को व्यक्त करने के लिए ता, त्व, पन, ई प्रत्ययों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों के साथ किया जाता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। मित्र, मित्रता। आदमी, आदमियत। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन। निज, निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। प्रसन्न, प्रसन्नता। सज्जन, सज्जनता। विनम्र, विनम्रता। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। समीप, समीपता। निकट, निकटता। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। पढ़ना, पढ़ाई। काटना, कटाई।